हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि गूगल शीट पर वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं हम। आपने एक्सेल शीट पर तो सीखा होगा वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना, लेकिन गूगल शीट पर नहीं सीखा होगा, तो आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन बना के रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखो फॉर्मूला हम कैसे यूज कर पाएंगे, चलिए लगाते हैं। यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, इज इक्वल टू, फिर लिखते हैं वी लुकअप, ठीक है, लगा दिया। और वी लुकअप के साथ साथ हम मैच फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लुकअप वैल्यू देनी है, किसको हम लुकअप करना चाहते हैं, हम राम को लुकअप करना चाहते हैं, कॉमा देंगे। इसके बाद कहाँ से लुकअप करना चाहते हैं, तो इस पूरी टेबल से ही कहीं हम लुकअप करेंगे इसको, तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, F4 दबाइए ताकि सारे वैल्यूज़ फिक्स हो जाएँ, कॉमा दीजिए। यहाँ मैच का फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके पहले भी मैं गूगल शीट पर मैच का फार्मूला सिखा चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पर जाके वहाँ से वीडियो देख लीजिए आप। और यहाँ मैच का फार्मूला हमने लगा दिया है, हम किसको खोज रहे हैं, हम ऑप्टेन मार्क्स को खोज रहे हैं सपोज कीजिए, ठीक है, कॉमा देंगे। ये ऑप्टेन मार्क्स कहाँ मिलेगा हमें, हमें यहीं कहीं मिलेगा इसी में, ओके, यहाँ तक सेलेक्ट करना है आपको, F4 दबा के फिक्स करना है इसको, F4 फंक्शन की दबाइएगा जो ऊपर F1 से लेकर F12 तक दिया रहता है, कॉमा देंगे। यहाँ पे जीरो देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा देंगे वी लुकअप को पूरा करने के लिए, यहाँ भी जीरो देंगे, बंद करेंगे और एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 408 मार्क्स आ रहे हैं। और आइए देखते हैं कि राम के 408 मार्क्स हैं कि नहीं, तो ये देखिए राम के 408 मार्क्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक और तरीका आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखिए, जैसे मान सपोज कीजिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से गए इसको कॉपी कर लिया, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने। अब यहाँ पे कर्सर को रखा, अब जो भी चाहिए सपोज कीजिए ड्राइंग का नंबर हमें जानना है, किसी का भी जानना हो, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे इसको, मैं पेस्ट करता हूँ तो ये आ गया ड्राइंग का। तो अब यहाँ पे हम नंबर निकालेंगे, तो इज इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, और वी लुकअप लगाने के बाद हम किसको खोज रहे हैं, सौरभ को खोज रहे हैं, तो यहाँ सौरभ को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, कहाँ से खोज रहे हैं, यहाँ से खोज रहे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, सेलेक्ट करने के बाद F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, फिर यहाँ मैच का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, यहाँ मैक्स नहीं बल्कि मैच यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा, MATCH, ठीक है। अब हम किसको खोज रहे हैं, तो इधर साइड में आ जाते हैं, पहले यहाँ ड्राइंग का नंबर हम तलाश रहे हैं, सेलेक्ट कीजिए, कॉमा दीजिए, ड्राइंग कहाँ मिलेगा, इसी ऊपर कहीं टाइटल में हमें ड्राइंग मिल जाएगा, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, न एक भी कम न एक भी ज़्यादा, ग्रेड तक सेलेक्ट करिए, F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, कॉमा देंगे जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए, वी लुकअप का फॉर्मूला पूरा हुआ। अब जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ सौरभ का 56 मार्क्स आया हुआ है ड्राइंग में, आइए देखते हैं सौरभ के ड्राइंग में 56 मार्क्स हैं कि नहीं, ये सौरभ है, देखते हैं ड्राइंग, ये देखिए ड्राइंग में 56 मार्क्स हैं सौरभ के। अच्छा सपोज कीजिए यहाँ सौरभ की जगह हम कुछ और लिख दे तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मैं राम ले लेता हूँ तो क्या होगा, राम का 97 मार्क्स है, देखिए ड्राइंग में 97 मार्क्स हैं, ये देखिए। अच्छा राम के नहीं जानने हैं, सचिन के जानने हैं, तो सचिन के ये देखिए। अब यहाँ ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग को हटा सकते हैं हम, यहाँ से हटा दिया हमने, ड्राइंग की जगह कुछ और ले सकते हैं, जैसे SST ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ ड्राइंग के बजाय किसका मार्क्स आ गया, SST का मार्क्स आ गया, किसका, सचिन का, सचिन ये है, SST आइए देखते हैं सही है या गलत, तो यहाँ देखिए 26 मार्क्स है SST में। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि वी लुकअप और मैच का फॉर्मूला कैसे हम बहुत ही आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट पर। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।